पांच साल के बाद अपना राजा बदल देना। अरे साथियों, आपके पास बाबा साहब का दिया हुआ एक मत का अधिकार है, और पांच साल के बाद मैं तुम्हें एक मत का पावर देता हूँ हर समाज के लोगों, और उस एक मत के पावर का प्रयोग करके पांच साल के बाद अपना राजा बदल देना। यह बाबा साहब ने अधिकार दिया तो सबके लिए। आजकल तो पूजा पे लोग उतारू हो गए, पूजने लगे हैं, पढ़ना कम जानते हैं, जयंती में भी पूजा भाव से आते हैं, हमारे भगवान का पूजा है, चलते हैं, शामिल होते हैं। भगवान का पूजा करने के बाद हर अप्रैल भगवान का पूजा करते हैं, और अप्रैल बीतने के बाद भगवान के विरोधियों का पूजा करते हैं। भारत में दो प्यारा नाम लहरे तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर, कलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर माह में अगर बाबा साहब के लिए न कहा जाए, न बोला जाए, तो फिर हम लोग का गाना, हम लोग का बजाना, हम लोग का दिन रात समाज के लिए चलना व्यर्थ है। लहरे तो उठी ढेर, समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर, खलंदर नहीं हुआ। अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अंबेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अंबेडकर नहीं हुआ। जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा यारों, किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान कहते हैं, जिसे बाबा साहब ने लिखा उसे भारत का संविधान। एक शेर अभी मैंने हाल में एक गीत में लिखा, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया, मगर मिसाल ए मानवता का पेश कर गए, मिसाल ए मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। एक बात कह करके मैं गीत शुरुआत करूंगा। केवल धरती नीली नहीं दिख रही है, आसमान नीला दिख रहा है। केवल धरती पे ही अंबेडकरवाद का परचम नहीं लहरा है, आसमान में भी अंबेडकरवाद का लिखित तौर पे परचम लहरा चुका है। शायद हमारे अंबेडकरवादी साथियों को, हमारे बहुजन समाज के साथियों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में अमेरिका ने अंतरिक्ष में बाबा साहब के नाम का एक तारा बुक किया है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर नाम का तारा, केवल धरती पे नहीं आसमान में भी आपके महापुरुष का परचम लहराना शुरू हो गया है। जिनकी लोग प्रतिमा तोड़ते हैं, जिनको छूने से लोग कतराते हैं, जिनको दलित कहते हैं, जिनको अछूत कहते हैं, तो आइए गीत की शुरुआत करते हैं उस महामानव के लिए। आज भारत में दो प्यारा नाम, भारत में दो प्यारा नाम, जय 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 भीम तानसी मां, भारत में दो प्यारा नाम। आजकल तो पूजा पे लोग उतारू हो गए हैं, पूजने लगे हैं, पढ़ना कम जानते हैं, जयंती में भी पूजा भाव से आते हैं, हमारे भगवान का पूजा है, चलते हैं, शामिल होते हैं। भगवान का पूजा करने के बाद हर अप्रैल भगवान का पूजा करते हैं, और अप्रैल बीतने के बाद भगवान के विरोधियों का पूजा करते हैं। दुख इस बात का नहीं
दुख इस बात का है कि पूरे अप्रैल जयंती मनाते हैं अपने महापुरुषों की, और अप्रैल बीतने के बाद तुरंत वहां लग जाते हैं जिनको अपने महापुरुषों के लिए एलर्जी है। हमें पूजना नहीं है अपने महापुरुषों को, हमें पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? पढ़े जो इनको सुबह हो शाम, बने जाए सब की गरे पा। अरे पढ़े जो इनको सुबह हो शाम, बन जा रे सब बिगड़े काम, बहुजनों का प्यारा नाम, जय 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 भीम काम सीला, बहुजनों का। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग भी पूजना चालू कर दिए, नारा लगाएंगे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मनोज भी अपरुणी से, ये आपके द्वारा सम्मान किया गया, फिर बाद में शांति श्री दुलार के काम। हमारे समाज के लोग खास तौर से फेसबुक या नेता, पोस्टरबाज नेता लिख सीख लिए हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक दिन एक नेता को देख के फेसबुक पे अपना वीडियो डाले थे, नाम नहीं लिखेंगे, हायर एजुकेशन बड़ी जरूरी है। ये लोग हायर एजुकेटेड हो करके देश में प्रधानमंत्री बन जाए, इनको पता भी नहीं कि देश के प्रधानमंत्री के पास अभी भी बीए पास का सर्टिफिकेट नहीं है। और बिना सर्टिफिकेट का प्रधानमंत्री देश को लॉक कर देता है, इनको हायर एजुकेशन चाहिए। अच्छा चलिए एक बार हम समझ भी लेते हैं कि आप लोग हायर एजुकेटेड हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हायर एजुकेटेड होना, डिग्री धारी होना और सामाजिक ज्ञान होना, दोनों में बहुत फर्क है। बीए की डिग्री आप लिए हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हो, पोस्ट पीएचडी आप किए हो, बीटेक आप किए हो, एलएलबी आप किए हो, और 5 साल का लड़का आपको कहता है जजमान जजमान। पढ़ने की जरूरत पढ़ने की है। 5 साल लड़का जिसके पास डिग्री नहीं है ना, अगर सरकारी स्कूल में पढ़त हुई तो बेचारा एलकेजी तक पहुंचल होता, सॉरी प्राइवेट स्कूल में, आ सरकारी स्कूल में पढ़त हुई तो भाई एक में ओकर नाम लिखा है, वो कह दे जज मान, और आप कहेंगे कि हाँ जज मान, जब जज मान तो कहीं गोबर के गणेश मान। और हमारा पढ़ा लिखा एलएलबी किया हुआ समाज जिसको जज बनने का सर्टिफिकेट सरकारी दस्तावेज मिला है कि वह जज बन सकता है, वह है अनपढ़ को जज मानता है, और जज मान करके कहता है कि मैं तो हायर एजुकेटेड हूं, हम हायर एजुकेटेड हैं, मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, मेरे पास एलएलबी की डिग्री है, और उस मूर्ख को पता नहीं कि मैं एलएलबी करते हुए जज उसको मान रहा हूं जिसके पास का ताला की एक का भी सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा देखिए ये पढ़ा लिखा समाज कितना अंधा और कितना मूर्ख है कि भगवान आ जाते हैं गोबर में गणेश बनकर, और उसपे वह 5 पास लड़का 500 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपया रखवा लेता है, चूंकि जे वही वह पढ़ा लिखा व्यक्ति गोबर को गणेश मान लेता है, वह लड़का समझ लेता है कि इसके दिमाग में गोबर के सिवा कुछ नहीं है। ये डिग्री खाली सर्टिफिकेट नाम भर का लिया है, पढ़ा लिखा है लेकिन ज्ञानी ये इस सर्टिफिकेट वाला ज्ञानी है, इसको सामाजिक ज्ञान नहीं है, नहीं है। अब सुनिए, समझो भैया, आप पढ़े हो, आप नहा धो के बढ़िया कपड़ा पहनते हो, अगर कह दिया जाए कि आप गोबर पे बैठ जाओ, बैठ जाओगे क्या? पढ़े लिखे लोगों से कह दिया जाए कि भैया आप नहा धो लिए हैं, गोबर पे बैठ जाइए, क्योंकि इसमें भगवान रहते हैं, आप बैठ जाएंगे?
अच्छा गोबर में बैठ नहीं सकते हैं आप, तो आपका भगवान गोबर में कैसे आ सकता है? यदि आप गोबर में बैठ नहीं सकते हैं, गोबर इतना अशुद्ध चीज है, तो फिर आपके भगवान उस गोबर में कैसे आ सकते हैं? पढ़ा लिखा समाज डिग्री लेने को ही अपने को हायर एजुकेटेड समझता है। अरे सामाजिक ज्ञान भी होना जरूरी है, वरना तुम्हारी डिग्री लेना बिल्कुल एक कागज का सर्टिफिकेट है, एक कागज का दस्तावेज है। हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है ना कि पूछना है, हमने अपने महापुरुषों की जाननी है ना कि हम महापुरुषों को जानना है। इसलिए ओम प्रकाश दीवाना गीत की पहली लाइन कहता है, सोती कौम जगाए। हायर एजुकेटेड इसे कहते हैं। डिग्री पे घमंड करने वाले डिग्रीधारियों के लिए मेरी एक चेतावनी है, जिनको बहुत घमंड है कि मैं पीएचडी किया हूं, जिनको बहुत घमंड है कि मैं 10 डिग्री लेकर के बैठा हूं, जिनको बहुत घमंड है कि मैं फलाने पोस्ट पे बैठा हूं, वैसे डिग्रीधारियों से मैं सवाल करना चाहता हूं कि आपकी डिग्री किस काम की, जो डिग्री समाज के काम रहा है। सवाल है, हमारे दो महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई, हालांकि बहुत अनगिनत महापुरुष हैं, लेकिन दो ही महापुरुषों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। डिग्रीधारियों से मेरा सवाल है, अपने समाज के शिक्षित वर्ग से, जो समाज में अपने उस शिक्षा को नहीं रखते, अपने ज्ञान को नहीं रखते हैं, बिल्कुल किताब तक सीमित रखते हैं, परिवार तक सीमित रखते हैं, नौकरी तक सीमित रखते हैं, पोस्ट तक सीमित रखते हैं, वैसे डिग्रीधारियों से मेरा सवाल है कि आप डिग्री लेकर क्या करते हो? महात्मा बुद्ध के पास कौन सी डिग्री थी? डिग्रीधारियों, जो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हो कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, आप हायर एजुकेट होने के बाद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद, माननीय कांशीराम साहब के बाद, बहन कुमारी मायावती जी के बाद, आप हायर एजुकेटेड होने के बाद, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, समाज में तुम्हारा योगदान क्या है? समाज में तुम्हारा योगदान क्या है? समाज के लिए आपने क्या किया है? हायर एजुकेटेड बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था। क्यों 9 भाषाओं का ज्ञान उन्होंने लिया था? ताकि हम अपने समाज को हर भाषा में समझा सके। गांव में चले जाइए, बिल्कुल अनपढ़ गंवार हमारे बुजुर्ग होंगे, उनके सामने हिंदी में बात करेगा वो समझ नहीं पाए। बुद्ध जी के पास कौन सी डिग्री थी? कोई हमारे समाज के विद्वान बताएं कौन सी डिग्री लिए थे? मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। संत जी के पास कौन सी डिग्री थी? ये कितने बड़े डिग्रीधारी थे, इन्होंने कौन सा डिग्री लिया था? इन्होंने समाज को जगाने का डिग्री लिया था। तथागत बुद्ध ने समाज को बदलने का डिग्री लिया था। आप कागजी डिग्री लिए हो, नौकरी पाने की डिग्री लिए हो, सुन लो, नौकरी पाने वाले डिग्रीधारी हो, जिस दिन बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब के संविधान से इसी तरह छेड़छाड़ होता रहा, तुम्हारी सारी डिग्री धरी धरी रह जाएगी। इसलिए अपने डिग्री का इस्तेमाल समाज के लिए करो, न कि नौकरी के लिए। तेरा समाज बचा रहेगा तो तुम्हारी नौकरी बची रहेगी, वरना तुम नौकरी पा लिए, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे नाती पोते नौकरी नहीं पाएंगे। मत दिखाओ डिग्री का धौंस समाज को कि मैं बहुत डिग्री वाला हूँ। बाबा साहब से ज्यादा डिग्री पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, लेकिन उसने उस पूरे डिग्री की ताकत को पूरे भारतवासियों के लगा दिया। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों के लिए लगा दिया। आप भी कम से कम कुछ हिस्सा में से कुछ हिस्सा अपने समाज के लिए लगाओ। इसलिए कहना है, एक ने संविधान बना रे, एक ने सोती
अरे रात दिन ना किए आराम, इन्होंने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, इन्होंने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा, तब जाकर के आप इस तरह से बैठ करके ओम प्रकाश दीवाना का बिहार सुन रहे हैं और ओम प्रकाश दीवाना इस तरह से गर्जना करता है। आजकल का राज कर्मचारी इतना डरपोक हो गए कि लिखल तो दूर ओम प्रकाश दीवाना का बिहार उन्हें पसंद नहीं थी। एक जगह सर्वदलीय मंच हो रहा था, कुछ नेता है हजम नहीं होता है कहा जाता है, किसी को बात बुरी लग जाए माफी चाहता हूँ। समाज में चमचा बहुत पैदा हो गए, मानवर तू लोग समझो तो यही बात का खुशी हो, बसरते अब चमचवन के चीने तो कोशिश करूँ, चाहे चमचा में हमार नाम हो के, चाहे उमेश गौतम जी का नाम हो के, चाहे ओम प्रकाश पांडे जी का नाम हो के, चाहे सतीश यादव पिंटू का नाम हो के, चाहे कुछ चमचा यहाँ ना हो के उनका नाम हो के, जे चमचा हो के चीने का जरूरत बखा ली, ये नहीं की कद की हमने की हो सकता हम हो खाओ तो तू लोग चीन हो। अब हम बोला तनी नहीं मैं समझ के सफाई देता कहीं ना हो पर खोल, कहने का मतलब है कि आप लोग परखिए, अब इन बेवकूफों को समझ में आने वाला है, अब इन बेवकूफों को समझ में आने वाला है, आ गया मौका, बहुत जल्द परीक्षा हो जाती है। अब सर्वदलीय वाले आवाज उठा करके दिखाए, मत जाइए आप, नहीं जाइए आप लोग ना, एक सप्ताह दो सप्ताह के लिए छोड़ दीजिए सर्वदलीय वालों के लिए, कितना प्यार है अपने महापुरुषों से, कितना प्यार है अपने महापुरुषों के सिद्धांत से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सबके हैं, इनको सबको जानना जरूरी है, लेकिन केवल वोट के लिए जानो ओम प्रकाश दीवाना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल से जानो, दिल से मानो, इनको जानोगे और इनको मानोगे तो ये लोग इतने पागल हैं कि तुम्हारे लिए जान देंगे। इनको जानोगे ओम प्रकाश पांडे जी, इनको मानोगे तो ये लोग इतने पागल हैं कि जान दे देंगे, ये फर्जी जय भी बोला पर जान देव खदी तैयार हो। मन से जान लेबो, मन से मान लेबो लोग तो पूरा तन मन धन से तुम्हारा साथे हो जी, और हमेशा करके दिखाए हमारे भगवान के लोगों ने, भगवान पूरे भगवान जिला के यूनिट इकाई के लोगों ने। तो मेरे कहने का मतलब कि आप सौदा मत करो, मैं उस बैनर की चर्चा कर रहा था, रात दिन बुद्ध जी की तस्वीर लगी हुई थी और बुद्ध जी के समकक्ष अभी तक बाबा साहब को भी खड़ा होने का अधिकार नहीं है, जो सच्चे अम्बेडकरवादी हैं वो बुद्ध जी से नीचे बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, बुद्ध जी के समकक्ष बाबा साहब की भी तस्वीर नहीं लगती है, लेकिन वहां के कुछ सर्वदलीय नेताओं की तस्वीर बुद्ध जी के समकक्ष लगी थी। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो अपनी मीटिंग में बोलिए चाहे मत बोलिए, तो अपनी बेटी के शादी में बोलिए चाहे मत बोलिए, जो हमके प्यार करे लोग बोला वेला अनाई बोले बस तब ओम प्रकाश दीवाना का मैसेज यूट्यूब के द्वारा जात रहे, कोनो फर्क नहीं है, धंके की चोट पे कल भी कहता था आज भी कह रहा हूं, अरे इन चीजों से बचो, कौन हक देता है तुम्हें अपने महापुरुषों की सौदा करने का, कौन हक देता है तुम्हें अपने महापुरुषों के नाम चंदा काटने का, अगर इतना चंदा काटने के शौकीन हो तो तनी अपने बाप दादा के नाम पे चंदा काट के दिखाओ, इतने बड़े समाज से भी तो अपने नाम पे चंदा काट के दिखाओ, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे नाम में ही चंदा मिल जाए, कहें कितने महापुरुषों को बेच रहे हो, मत बेचो, इनके सिद्धांतों से समझौता मत करो, बहुत आहत होगी वो आत्माएं जिस आत्मा के लोगों ने इस भारत को बदलने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। जैसे रोम रोम बिक जाएगा तुम्हारा, तुम अपने महापुरुषों का कर्ज नहीं चुका पाओगे। लोग कहते हैं जन्म देने वाली माँ का लोग नहीं कर चुका पाते हैं, अपने पिता का कर्ज नहीं चुका पाते हैं, उस बाप का, उस पिता का, उस बाबा का कैसे कर्ज चुका पाओगे जिसने तुम्हारे लिए अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दे दी, जिन्होंने
भारत वर्ष के लिए चार चार बच्चों की कुर्बानी दे दी, आप नहीं चुका पाओगे कर्ज, बिल्कुल उस महापुरुष की कर्ज नहीं चुका पाओगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपके लिए, आपके समाज के लिए, इस बहुजन समाज के लिए, हालांकि उस समाज के लिए भी जो समाज कहता है कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया। कुछ दिन पहले लोग कहा करते थे देश में भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, गलत चीजों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है मीडिया के द्वारा, मीडिया के फैलाए चमचों के द्वारा यह बताया गया कि नहीं बाबा साहब केवल दलितों के नेता हैं, दलितों में केवल चमारों के नेता हैं। बाबा साहब ने जो कुछ भी किया चमारों के लिए किया, सवाल यह है कि बाबा साहब ने चमारों के लिए किया। इसके बाद जैसे जैसे लोग जगे तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी धीरे धीरे बात समझ में आई कि नहीं बाबा साहब ने मेरे लिए भी किया है कि मैं भी उसी आरक्षण के तहत हूं। अनुसूचित जाति वालों को बात समझ में आई। इसके बाद ओबीसी समाज को ऊपर लाया गया कि नहीं नहीं बाबा साहब तो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण दिए, बाकी आप लोगों के लिए तो कुछ नहीं दिए। अच्छा चलिए, ओबीसी समाज भी बहुत दिनों तक बाबा साहब से कतराता रहा, अभी भी दिल से लोग ना मानते नहीं है, 10% लोग मानते हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, 90% अभी लोग बहके हुए हैं, बहम में हैं, वे लोग केवल जय भीम बोलते हैं इसलिए कि आपके पास एक मत का अधिकार है। एक मत जबरी उनको जय भीम बुलवाता है, वो भी हलक से बाहर आता नहीं, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं जय भीम। आप सदी ने मुस्कुरा रहे, आप सुन ले वो सुन ले, बाकी अगर उनके समाज के अगल बगल वाले लोग हैं तो सुन न पाए। जो दिल से बोलते हैं माइक में चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, जैसे हमारे सम्मानीय ओम प्रकाश पांडे भी हैं, सम्मानीय वकील भैया हैं, सतीश भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, अब अभी बहुत सारे हमारे साथी भैया हैं, बाबू ये बेटा वो भी सी समाज धीरे धीरे समझ पाया। अभी भी समाज के लोग हैं, भारत के कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। साहब मैं बता दूं, बाबा साहब ने पूरे भारत के लोगों के लिए वो किया जो आपके बाप दादाओं ने भी नहीं किया। बाबा साहब पूरे भारत के लोगों के लिए वो किया जो आपके बाप दादाओं ने नहीं किया। जो लोग एक कहते हैं कि मेरे पास क्या है बाबा साहब का दिया हुआ, तो अरे साथियों आपके पास बाबा साहब का दिया हुआ एक मत का अधिकार है, और एक मत का अधिकार है बाबा साहब केवल चमार मुसहर धोबी पासी लहिर कोई कुर्मी को नहीं दिए, भारत के पूरे जाति के लोगों के लिए दिए, भारत के पूरे पूरे धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए दिए। फिर भी तुम लोग कहते हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या दिया। अगर आज तुम सीएम पीएम डीएम चपरासी कलर सीएम पीएम डीएम कलासी चपरासी कलर वार्ड मेंबर जिला पंचायत प्रधान पीडीसी बनने का सपना देखते हो, मेयर चेयरमैन बनने का सपना देखते हो, उठाकर इतिहास पढ़ लेना, बाबा साहब के संविधान से ऐसा कोई पावर नहीं था देश में। बाबा साहब के संविधान से पहले तो पावर ऐसा था, राजा बनने वाले कौम के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपका बड़ा भाई ही राजा बनने का अधिकारी था। दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हुए, बाबा साहब से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा हर डॉक्टर बच्चा पैदा करते हैं, मैं डॉक्टर वैसा बनूंगा कि मैं बच्चा पैदा बंद कर दूंगा, मैं उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दूंगा जिस रानी के पेट से वो बच्चा पैदा होता है जो जन्मजात राजा बनकर के आता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यह केवल 32 डिग्री और 9 भाषाओं के ज्ञान के चलते मुमकिन हुआ। बाबा साहब ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन किया, कहा चाहे बेटा रानी का हो चाहे बेटा महतरानी का हो, सब प्रजा बनकर के आएगा और जो चाहेगा जिसे राजा बनाएगा। अब सुन लो देश के तमाम वर्ग के लोगों, क्या बाबा साहब ने तुम्हारे लिए नहीं किया। अरे पहले का विधान था भैया, जिनको जानकारी नहीं, हमें लोगों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है, प्रशिक्षण के अभाव में लोग गलत रास्ता अख्तियार कर ले रहे हैं बाबू, प्रशिक्षण के अभाव में हमारे जिले के कुछ साथी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सही प्रशिक्षण देना है, उन्हें बरगलाना नहीं है, उन्हें डराना नहीं है, उन्हें धमकाना नहीं है, उन्हें बुरा नहीं बोलना है, प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण क्या है कि बाबा साहब ने संविधान दिया, और जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो मैं बता देना चाहता हूं मेरे मित्रों, ये संविधान में पावर सबके लिए, सबको एक मत का उन्होंने अधिकार दिया। इससे पहले प्रशिक्षण क्या है, इससे पहले जिस समाज के राजा बनते थे रानी का बड़ा बेटा बेटा राजा होता था, तीन बेटा पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, एजुकेटेड,
सामाजिक ज्ञान था, सामाजिक नॉलेज था, लेकिन नियम था कि वो राजा नहीं बनेंगे। बढ़ा बेटा चाहे अंधा हो, ताकि चाहे अंधा हो, चाहे भले न उनक नकात होगी। हाँ बाबू जी क्या करेगा माँ, हाँ लोग भाई राजा नाम है, राजा हम है मना, उन्होंने है मना से बोले मैं था मानू मैं गाड़ी मानी हूँ ना जुआई मैं नहीं हूँ। चला ये हो पूर्ण ठीक भाई, हो ठीक भाई, बोलियो में ठीक बात में पता चला कि मुड़ी अच्छा भैया। अच्छा ये हो ठीक भाई, हो ठीक बात में पता नहीं हाथ कैसे भैया, लेकिन राजा ससुर भाई बने। ये वह विधान था, तीन भाई नीक हो बने बने का तो मारा। और बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में एक मत का अधिकार दिया, कहा पाई दे अनहरा राजा बन गया। तो कहा से भगवान नहीं पहुंच पा रहा है, न भगवान पहुंचेगा, नहीं आपकी आवाज उठाएगा। अगर पाई देवे लंगड़ा राजा बन गया, काना राजा बन गया, 5 साल के बाद मैं तुम्हें एक मत का पावर देता हूँ हर समाज के लोगों, और उस एक मत के पावर का प्रयोग करके 5 साल के बाद अपना राजा बदल देना। यह बाबा साहब ने अधिकार दिया तो सबके लिए। फिर यार कैसे कहते हो कि बाबा साहब ने हमारे लिए नहीं किया नमक हराम होगा पे? अब आपसे बड़ा नमक हराम कौन होगा, जो बाबा साहब की खाते हो, बाबा साहब की पहनते हो, बाबा साहब की ओढ़ते हो, बाबा साहब की आजादी में जीते हो, फिर भी कहते हो बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया मान्यवर साहब ने, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। क्लास 1 की नौकरी किया करते थे, क्या ये हायर एजुकेटेड नहीं थे? देश में रोज हायर एजुकेटेड बनाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, तो इन्होंने लास्ट में जाते जाते आपको बहुत कुछ दे करके चले गए। क्या एक ने हमें आजादी कराए, सम्मानीय छठू वकील साहब भेकास से 200 रुपया दे करके, महोदय सम्मान किए, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सलाम, जय भारत। एक ने हमें आजादी कराए, शासक बनना एक सिपाही। बाबा साहब ने आपको गुलामी से मुक्ति दिया, तो मानवर साहब ने आपको शासक बनने का मंत्र दे दिया, क्योंकि आप पहले शासक बनाते थे, शासक बनते नहीं थे। और जब मान्यवर साहब ने अपनी बीएसपी पार्टी बनाई, तो कभी आप लोगों ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक दलित की बेटी आयरन लेडीज बहन कुमारी मायावती को 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बना करके स्थापित किया। और आप हो कि दरी बिछाने में लगे, आप लोगों को दरी बिछाने से फुर्सत नहीं मिलती है। अरे यार एक बात बता दे, अपने महापुरुषों की कुर्बानी याद करोगे, पिता के मरने पे रो या ना रो, बाबा साहब की मौत सुन करके आंख में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग सुनते नहीं हो, आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग जानते नहीं हो, इसलिए ओम प्रकाश दीवान कहता है एक ने हमें आजादी कराए, शासक Thank you.
इसलिए दीवाना दिल हमारी आदरणीय राम इकबाल मुखिया एडवोकेट साहब और बहुजन समाज पार्टी के जोन कोऑर्डिनेटर हैं, उनके आप छोटे 500 रुपया सम्मान किया गया। चलिए ठीक है, मलवा में ज्यादा टाइम लगे।